जय माता दी। भद्रकाली टीवी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बताते हैं कि जो शनि राशि है वो 30 साल के बाद कुंभ राशि में प्रवेश कर रही है, जो कि 17 जनवरी 2023 से कुंभ राशि में प्रवेश कर रही है। और वो शनि हैं वो अपनी मूल कुंभ राशि में प्रवेश कर रहा है, जिसकी वजह से दो राशियों को काफ़ी नुकसान होने वाला है। कहने को है कि दो राशियां ऐसी हैं जिन पर शनि की ढैया और साढ़े साथी लगने वाली हैं। आप सभी को बता दें, यह एक महायोग बन रहा है, महायोग बन रहा है, जिसमें शनि की जो कुदृष्टि है वो दो राशियों पर पड़ने वाली है 17 जनवरी से। आप सभी को पता है कि जब शनि की कुदृष्टि किसी इंसान पे पड़ जाती है या फिर शनि की ढैया और साढ़े साथी लग जाती है, तो उस इंसान के जीवन में कठिनाइयाँ कठिनाइयाँ आती हैं और उसका जीवन कठिनाइयों से भर जाता है, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं और उसको असफलता ही मिलती रहती है। आप सभी को बता दें, जो शनि की ढैया है और साढ़े साथी हैं, ये बहुत ही भयंकर प्रकोप है शनि का, जो कि दो राशियों पर पड़ने वाला है। ये 17 जनवरी से होने वाला है। आज हम आपको बताएंगे कि वे दो राशियां कौन कौन सी हैं, तुला और मिथुन राशि। तुला राशि और मिथुन राशि, ये दो राशियां हैं जिन पे शनि की ढैया और साढ़े साथी लगने वाली हैं 17 जनवरी के बाद। और इन राशियों पर इतना भयंकर प्रकोप है शनि देव का कि वो जो भी सोचेंगे वो काम बनेगा नहीं और असफलताएँ मिलेगी। यहाँ तक कि आर्थिक स्थिति भी उनकी बहुत ही कमज़ोर हो जाएगी और शायद उनको दर दर की ठोकरें भी मिल सकती हैं। जहाँ पे उनको मान सम्मान आज के समय मिल रहा है, वो मान सम्मान भी उनका ख़त्म हो जाएगा। आप सभी को बता दें कि शनि की ढैया बहुत ही भयंकर प्रकोप होता है। कुछ लोग समझते हैं कि ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन अगर ग्रह नक्षत्र देखे, राशि देखे, तो इसके अनुसार यह सब कुछ होता है। आप सभी को बता दें कि ढैया और साढ़े साथी शनि के प्रकोप बहुत ही बेकार उन पर प्रभाव पड़ते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि उन प्रकोपों और शनि की साढ़े साथी से बचने के लिए उन जातकों को क्या उपाय करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का समाधान है। आप सभी को बता दें कि शनि की ढैया और साढ़े साथी के प्रकोप से बचने के लिए जो दो राशि बताई हैं उनको उपाय भी बताए हैं। अगर वो जातक उपाय करते हैं तो उनमें उन पर शनि महाराज का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और नहीं कोई ढैया और साढ़े साथी का कोई प्रकोप रहेगा। नंबर एक, शनिवार के दिन आप शनि मंदिर में जाके सरसों का तेल दान कर सकते हो, इसे भी काफ़ी राहत मिलती है। दूसरा, शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाके या फिर घर पर 108 बार ओम हनुमंते नमः, ये 108 बार मंत्र का जाप करोगे तो काफ़ी उसको राहत मिलेगी। और ये 11 मंगलवार को करना है, 11 मंगलवार या शनिवार को करना है, जिससे आपके ढैया और साढ़े साथी में काफ़ी फायदा मिलेगा और उनको शनि का प्रकोप से बचे रहेंगे। तीसरा, शनिवार के दिन रोटी, पहली रोटी या दूसरी रोटी बना के उसको सरसों के तेल में चुपड़ कर काले टीके निकाल कर काले कुत्ते को खिलाने से काफ़ी हद तक शनि की ढैया ख़त्म होती हैं। तीसरा प्रकोप से बचने के लिए आपको क्या करना है, जब भी आपको सड़क के किनारे या कहीं भी कोई भी गरीब व्यक्ति भूखा दिखाई दे, उसको भोजन खिलाकर, ये सबसे बड़ा धर्म होता है, जिससे शनि महाराज की जो कुदृष्टि है उसे आप बच सकते हो। किसी गरीब ब्राह्मण को खाना खिला के या फिर किसी को कपड़े बाँट के, ये अगर आप कुछ भी धर्म करते हो, उस धर्म करने से आप पर शनि की जो ढैया लगी हुई है, साढ़े साथी लगी हुई है, वो कुछ हद तक कम हो सकती है। कहने को ये है कि जब आप पर कोई आपदा आने वाली है, वो आपदा टल सकती है। इसलिए आपको समय समय पर दान दक्षिणा देते रहना चाहिए, किसी व्यक्ति को निराश नहीं करना है। जो आपके दर पे मांगने आया है उसको खाली हाथ न भेजे, थोड़ा बहुत जितनी आपकी गुंजाइश है उसको जरूर दे, निराश ना करें। इससे शनि महाराज की ढैया के प्रकोप से आप बचे रहोगे।